वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको जॉब रिटायरमेंट के बारे में बताया था, जो कि यूथ अफेयर डिपार्टमेंट KPK के अंदर जॉब आई थी। तो तब अप्लाइंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी अप्लाइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो आइए जानते हैं कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। ये जो जॉब्स हैं, ये ईटा की वेबसाइट पर रिटायरमेंट हो चुका है इसका, और इसका अप्लाइंग तरीक़ेकार मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 31 जनवरी। 31 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रिटायरमेंट दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, ठीक है। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हुए सिंपली आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट है जॉब का, तो ये आपने पहले रीड कर लेना है, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद आपको जो है अप्लाइंग प्रोसेस बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो मैं बैक चला जाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट आपने खुद ही देख लेना है। इसके बाद ये आगे आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने, अगर पहले से आप ईटा की वेबसाइट पे एंटर हो चुके हैं, तो एंट्री हुई है, तो तब तो आपको सिर्फ CNIC एंटर करना है, उसके अलावा जो है पासवर्ड एंटर कर लेना है, ठीक है। तो जिनका नहीं है उन्होंने अपना जो है अकाउंट रजिस्टर कर लेना है सबसे पहले। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने सिंपली अपना CNIC नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, इसके बाद यहाँ से लॉग इन कर लेना है। तो मैं अपना जो है अकाउंट एंटर कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो लेफ़्ट साइड पे ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई फॉर पोस्ट वाला ऑप्शन लास्ट में दिखाई देगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना यहाँ से अप्लाई, ये आपके पास जो है प्रोजेक्ट आ जाएंगे, तो इसमें आपने ये देख लें, सेकंड नंबर पे डिक्लेयर यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर 2022। तो इसमें आपने सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी जो है पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है कि असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या जूनियर क्लर्क के लिए। तो यहाँ से ये क्लिक करनी है, सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद अपनी जो है सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, पेशावर से, एबटाबाद से, सुहास से या बन्नू से हैं, जहाँ से भी आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल आपने ये जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास नीचे डाउनलोड होकर स्लिप आ जाएगी, जो स्लिप आपने UBL ब्रांच में जमा कराने होंगे, इसकी फ़ी की स्लिप जो होगी आपके पास आ जाएगी। वो आप इजी पैसा के थ्रू भी करा सकते हैं, UBL बैंक से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल तरीका है, जिन लोगों का पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो लोग पहले अकाउंट बना के फिर एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा उनको अपनी जो है क्वालिफिकेशन भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए जैसे ही आप अपने अकाउंट एंटर करेंगे, उसके बाद ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे सबसे ऊपर, और इसके बाद जो है नीचे एजुकेशन वाला ऑप्शन, एजुकेशन एंटर करनी है, एक्सपीरियंस एंटर करना है, इसके बाद प्रोफाइल इमेज अपनी ऐड करनी है। तो उसके बाद आकर आपने अप्लाई फॉर पोस्ट वाले ऑप्शन से अप्लाई कर लेना है। तो ठीक है, यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।